गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन टेस्ट ऑफ डीपीएस चंडीगढ़ ऑफ क्लास 8 व्हिच वाज हेल्ड ऑन 29 मई 2020। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 5x - 3 × 2x + 1 = 21। अब हमें इसे सॉल्व करना है, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 5x एज इट इज माइनस, अब यहां माइनस है तो अगला जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए ब्रैकेट, अब 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस 3 2x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो 3 × 2x 6x, बीच में प्लस, अच्छा 3 × 1 कितना होगा 3 = 21। 5x एज इट इज, अब देखो अब यहां माइनस है, आगे ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर जितनी भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो 6x प्लस का है, जब बाहर आएगा तो -6x, अच्छा प्लस का 3, जब बाहर आएगा तो -3। ठीक है, = 21। सो यहां पे 5x - 6x कितना हो जाएगा -x - 3 = 21। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को ट्रांसपोज कर देंगे, जब -3 उधर ट्रांसपोज होगा तो +3 बन जाएगा, सो -x = 21 + 3, -x = 24। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई -24, सो हमारा आंसर क्या आया x = -24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 more than 2x a number is equal to 4 less than the same number. Find the number. पूछा गया नंबर, नंबर फाइंड करना है। अब हमें नंबर तो पता नहीं क्या है, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने x सपोज कर लिया उस नंबर को, मीन्स हमें ये x फाइंड करना है। अब x हम कैसे फाइंड करेंगे, जब x में इक्वेशन सेटअप होगी। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए इसी लाइन को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। ये कहता है 3 more than 2x a number, यहीं तक पढ़ो पहले, 3 more than 2x a number, 3 ज्यादा है किससे, 2x a number, means 2x करना है किसका, नंबर का, नंबर क्या है x, मतलब 2x, 2x कर दिया नंबर का, इससे 3 ज्यादा है मींस प्लस 3। ठीक है, यहां तक जो उसने कहा वो हमने लिख लिया, 3 more than 2x a number लिख दिया, इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, 4 less than the same number, 4 लेस है किससे, उसी नंबर से। ठीक है, मींस x से 4 लेस, मींस x - 4। ठीक, अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लो एंड कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड। ठीक है, सो 2x एज इट इज, ये प्लस का x इधर आके -x = -4, ये प्लस का 3 उधर जाके -3, सो x = -4 - 3 कितना होगा -7। ठीक है, तो x की वैल्यू आई -7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is 40, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और हमें पता क्या है, दैट द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is 40। सबसे पहले तो 2 consecutive odd numbers, कंजेकटिव ऑड नंबर देखें इसका क्या मतलब है, अगर इसका मतलब पता चल गया फिर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऑड नंबर्स का मतलब तो आपको पता ही है ना,
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या है? साथ साथ वाले ऑड नंबर्स, जैसे वन, वन से अगला ऑड नंबर क्या होगा? क्या होगा? थ्री, थ्री से नेक्स्ट ऑड नंबर फाइव, फाइव से नेक्स्ट ऑड नंबर सेवन, सेवन से नेक्स्ट ऑड नंबर नाइन। तो ये क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है? कंसेक्यूटिव का मतलब साथ साथ वाले, ठीक। अब देखो, अगर मैं पहला नंबर वन लू तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? थ्री। अच्छा, वन के बाद थ्री आया कैसे? कैसे बना? प्लस टू करके, वन में टू ऐड कर दो, थ्री बन गया, ठीक है। अब मैं थ्री से फाइव कैसे बना? प्लस टू करके, ठीक। फाइव से आगे सेवन, सेवन कैसे बना? प्लस टू करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे मिल रहे हैं? प्लस टू करके, ठीक। तो अब यहां पे हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से है वो तो नहीं पता, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से है वो तो हमें नहीं पता। तो हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर एक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर हमने एक्स ले लिया, तो इससे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर क्या होगा? कैसे आएगा? इसमें प्लस टू कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑड नंबर इज एक्स प्लस टू, ठीक है। ये एक वे था, अगर मतलब हमें नहीं पता चलता तो ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लो कि हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलते कैसे हैं, ठीक। सो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए। अब हमें यही नंबर्स तो फाइंड करने हैं। अब इसमें क्या है, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो ये नंबर्स आ गए, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम x में इक्वेशन सेटअप करेंगे, ठीक है। अब देखें इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन हमेशा गिवन से बनती है। देखो यहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 40, मींस इन दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम प्लस क्या है? 40। इक्वेशन बन गई। अब बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे x प्लस एक्स, टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस का टू इधर आके माइनस टू, सो टू एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस टू, सो टू एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस टू कितना? 38। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कितना आएगा? 2x के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 38/2, ठीक है। कैंसलेशन कर देते हैं, 2 1 2, 2 9 18, सो x की वैल्यू आ गई 19, x 19 आ गया। और हमसे पूछा गया था कि ये दोनों नंबर्स, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर x प्लस टू है, तो फर्स्ट नंबर तो हमें मिल गया 19, ठीक है, फर्स्ट नंबर 19 मिल गया। अच्छा, दूसरा नंबर x प्लस टू, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 19 प्लस टू कितना? 21, ठीक है। सो हमारे पास ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सम ऑफ रैशनल नंबर 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब ये एमसीक्यू है, आगे आपको फोर ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो देखें, सम ऑफ, सम करना है किसका? रैशनल नंबर 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल, इजी। तो 4/7 प्लस, अच्छा 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/4, ठीक है। तो 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल, इन दोनों का क्या करना है? सम, प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 और 4 का एलसीएम 28। अब यहां पे क्या आएगा, कैसे देखते हैं, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए? 4, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 16, ठीक है। प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए? 7, 7 को
को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49। ठीक है, अब इसे जब ऐड करोगे 16 प्लस 49 कितना बना 65 अपॉन 28। सो आंसर इज 65 अपॉन 28। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई स्पेंट 1/4 ऑफ माई पॉकेट मनी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक एंड 1/8 आफ्टर स्कूल, व्हाट पार्ट ऑफ पॉकेट मनी इज लेफ्ट विद मी। और आगे आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अब कहा गया आई स्पेंट 1/4 ऑफ माई पॉकेट मनी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में मनी का कितना पार्ट स्पेंड कर दिया मैंने, 1/4 इतना पार्ट स्पेंड कर दिया। ठीक है, देन एंड 1/8 आफ्टर स्कूल, और आफ्टर स्कूल मैंने मनी का कितना पार्ट स्पेंड कर दिया, 1/8। ठीक है, लंच ब्रेक में मनी का कितना पार्ट स्पेंड किया, 1/4, एंड आफ्टर स्कूल मनी का कितना पार्ट स्पेंड किया, 1/8। ये तो खर्च दिए। पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ पॉकेट मनी इज लेफ्ट विद मी। अब मेरे पास जो मनी बची है कितनी बची है, कितने पार्ट बचे हैं ये बताना है। मनी का कितना पार्ट अब मेरे पास बचा है ये बताना है। ठीक है, अब मनी का कितना पार्ट बचा है उसके लिए हम ये देख ले कि मैंने स्पेंट कितने पार्ट कर दिए, फिर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब स्पेंट किस कितने पार्ट किए मैंने, 1/4 भी स्पेंड कर दिया, 1/8 भी स्पेंड कर दिया, मींस कितने खर्च दिए, टोटल दिस प्लस दिस, ये टोटल खर्चा तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए कितने पार्ट खर्च किए। चलिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8। अब यहां क्या आएगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, 2, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, 1 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1। ये कितना आ गया, 2 प्लस 1 3 अपॉन 8। मनी का इतना पार्ट स्पेंड कर दिया। अब ये देखना है कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि टोटल पार्ट 8 है, उसमें से 3 पार्ट्स मैंने स्पेंड कर दिए, 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स स्पेंड कर दिए। तो बचे कितने, अगर 8 में से 3 पार्ट्स मैंने खर्च दिए तो बचे कितने, 5 8 माइनस 3 5। ठीक है, सो 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 बच गए। ठीक है, तो मनी का इतना पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, यही तो पूछा था। ठीक है, तो 5/8 कहां पे है, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ एरिया 49 4/5 हेक्टेयर, ही वांट्स टू डिवाइड इट इक्वली अमंग हिज वन सन एंड टू डॉटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच वन शेयर। गिवन क्या है, फार्मर के पास फील्ड है, उसका एरिया हमें पता है, कितना एरिया है, एरिया इज 49 4/5 हेक्टेयर। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा, 249/5 हेक्टेयर। ठीक है, ये तो फील्ड का एरिया। फिर आगे क्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इट इक्वली अमंग हिज वन सन एंड टू डॉटर्स। वन सन एंड टू डॉटर्स मीन्स टोटल पर्सन कितने हैं, 3। अब इन 3 पर्सन में इक्वली डिवाइड करनी है ये फील्ड। ठीक है, तो मींस ये जो एरिया है ये इक्वली डिवाइड करना है अमंग 3 पर्सन। तो कैसे करेंगे, ये एरिया कितना है, 249/5, इस एरिया को इक्वली डिवाइड करना है 3 पर्सन में, तो डिवाइडेड बाय 3, 3 पर्सन में डिवाइड करना और वो भी इक्वल, तो क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहां से इसे सॉल्व करते हैं, 249/5।
अब डिवाइड क्या होता है, इनटू में चेंज एंड अगले नंबर का रेसिप्रोकल, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 8 24 3 3 9, ये कितना आ गया 83/5 हेक्टेयर, ठीक है। इसे मिक्स में लिख देते हैं, मिक्स में आएगा आपके पास 16 3/5 हेक्टेयर, ठीक। तो ये एरिया आ गया ईच पर्सन का, मींस तीनों को, हरे को कितना कितना पार्ट मिलेगा, 83/5 हेक्टेयर मिलेगा, ठीक है। सो हमसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ईच वन शेयर, तो हरेक का शेयर हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 13:7, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 24, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। फाइंड हमें करना है स्मॉलर नंबर, और हमें गिवन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 13:7, नंबर की रेशियो दे दी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या होगा फर्स्ट नंबर 38, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर 38 सपोज किया है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 7x, ठीक है। ये रेशियो दी है, यहीं से हमने सपोज किया कि अगर फर्स्ट नंबर 13x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 7x, ठीक है। अब हमें ये दो नंबर्स पता चले इन टर्म्स ऑफ x, और फाइंड क्या करना है, स्मॉलर नंबर, है ना। अब इन दोनों में से बता सकते हो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 13x छोटा होगा कि 7x, ऑब्वियसली 7x छोटा होगा, ठीक है। तो ये नंबर हमें फाइंड करना है। अब ये नंबर मिलेगा कैसे, जब x की वैल्यू पता होगी, ठीक है। x की वैल्यू कैसे पता करें, इक्वेशन सेटअप करके, ठीक। तो इक्वेशन हमेशा गिवन से ही बनती है, ऐसा क्या गिवन है जिसका अभी तक हमने यूज भी नहीं किया, देखें यहां तक तो हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 24, मींस इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 24 दे दिया, लिख लेते हैं 13x - 7x = 24, ठीक है, क्लियर। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक, x की वैल्यू 4 आ गई, और हमसे पूछा गया स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा था 7x, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 7 × 4, सो आंसर इज 28, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड 17/4 - 11/8, इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। 17/4 को डिवाइड करना है किससे, -11/8 से, तो ये लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, 17/4 एज इट इज डिवाइड, इनटू में चेंज हो गया, एंड नेक्स्ट नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो -11/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -8/11, ठीक है। अब कैंसलेशन हो रही है तो कैंसलेशन कर देते हैं, 4 × 2 = 8, बस। तो 17 × −2 कितना हो गया, -34/11, तो हमारा आंसर आ गया -34/11, क्लियर। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ -6 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट किस किस का, -6 का और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हमें याद नहीं आ रहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, तो हम याद करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 5, क्या देखते हैं हम कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा,
1 अपॉन 5, कटिंग हो जाती है तो 1 आ गया आंसर, ठीक। अच्छा अगर मेरे पास नंबर है 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो आंसर इज किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 7/3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 1/5 था ये क्या है, 1/5 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5, यहाँ पे 7/3 ये क्या है, 7/3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर देखें तो रेसिप्रोकल ही तो है नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, -6 को मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ, मींस इसके रेसिप्रोकल के साथ, क्या हो जाएगा, -6 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/-6, रेसिप्रोकली तो लिखना है, ठीक है। अब देखो कैंसलेशन हो रही है, -6 -6 कैंसल, सो आंसर इज 1, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, हमें इक्वेशन दे दी, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x/3+1=15/9, कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे सिर्फ x की टर्म ही इधर चाहिए, बाकी सारा कुछ सिर्फ x चाहिए, बाकी सारा कुछ इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x/3 एज इट इज, ये प्लस का 1, इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो -1, तो ये आ गया 15/9 -1, ठीक है। अब 2x/3 ये हमारे पास क्या है, 15/9 -1, 2x/3 एज इट इज। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है, 9 और 1 का एलसीएम 9, यहां क्या आएगा 15 माइनस यहां पे क्या आएगा 9, ठीक है। सो 2x/3=15 -9 कितना, 6/9, ठीक। अब यहां देखो, यहां मुझे सिर्फ x चाहिए, इसके साथ जो भी है इधर ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ये जो 3 है अभी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/9 × 3। अच्छा ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो x=6/9 × 3/2, ठीक। अब क्या करनी है, कैंसलेशन हो रही है तो कर देते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, सो x कितना आ गया 1, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, देन द लार्जेस्ट, आगे 4 ऑप्शंस हैं, लार्जेस्ट बताना है हमें, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पहले तो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मींस साथ साथ वाले इंटीजर्स, ठीक है। जैसे अगर मैंने 2 लिया तो इससे नेक्स्ट 3, इससे नेक्स्ट 4, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख दिए। अगर मैंने 17 लिया तो इससे नेक्स्ट कौन सा होगा 18, इससे नेक्स्ट कौन सा होगा 19, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख लिए साथ साथ वाले, ठीक है। अब अगर देखें ध्यान से, मैंने 2 लिया, 2 के बाद ये 3 कैसे बना, प्लस 1 करके, 2+1 3, ठीक है। 3 के बाद ये 4 कैसे बना, प्लस 1 करके, ठीक। अगर इसकी बात करें, 17 के बाद ये 18 कैसे बना, प्लस 1 करके, 18 के बाद ये 19 कैसे बना, प्लस 1 करके। मींस हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे मिल रहे हैं, प्लस 1 करके, नंबर में 1 ऐड कर दो नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं पता कौन से हैं, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर x है, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, कौन सा होगा, इसमें 1 ऐड कर दो x+1, इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा,
इसमें 1 ऐड कर दो, x प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लिख लिए, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, यही फाइंड करना है। तो ये बताओ कि x बड़ा होगा, x प्लस 1 बड़ा होगा कि x प्लस 2 बड़ा होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा, x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर में 2 ऐड हो रहे हैं तो यही बड़ा होगा। मीन्स हमें ये फाइंड करना है x प्लस 2, उसके लिए हमें x चाहिए होगा। अब x कैसे आएगा, इक्वेशन सेटअप करके, ठीक। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, मीन्स इन तीनों का सम क्या है, 51, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन बन चुकी है, x प्लस x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51। अब यहां पे क्या होगा, 3x एज इट इज, ये प्लस का 3 जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 3, ठीक, 51 माइनस 3, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 कितना होता है, 48। यहां से x कितना आ जाएगा, 48/3, ठीक है, कैंसलेशन करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, सो x की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब x 16 आ गया, हमें तो लार्जेस्ट बताना था ना, कौन सा है, ये तीन थे, तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा था, ये वाला। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 16 प्लस 2 दैट इज 18, सो 18 इज द राइट आंसर, मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पीस ऑफ क्लोथ 3 1/2 मीटर लॉन्ग कॉस्ट रुपीज 128 1/3, देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज। अब देखो हमें गिवन क्या है, 3 1/2 मीटर क्लोथ की कॉस्ट पता है, 128 1/3 है, और हमें बतानी क्या है, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट। कैसे बताएं, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिटरी मेथड में जो हमें फाइंड करना होता है वो हम राइट हैंड साइड रखते हैं, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट को रखेंगे राइट साइड, ठीक। हाँ जी, तो गिवन है 3 1/2 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 128 1/3, ठीक है। अब इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, ठीक, ये कितना बनेगा, 7/2 मीटर बन गया, और यहां से इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 385/3, ठीक है। चलिए, 7/2 मीटर की कॉस्ट 385/3 है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, कम होगी, मींस क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 385/3 को डिवाइड करेंगे किससे, 7/2 से, ठीक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 385/3 एज इट इज, डिवाइड को किया इनटू में चेंज, और अगले नंबर का रेसिप्रोकल, 7/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/7, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 7/5 35, इतना ही बना, ठीक है। तो 55 × 2 कितना, 110, और डिनोमिनेटर में 3, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 110/3, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड, 110/3 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-5 इज, -2/-5 का एडिटिव इनवर्स हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, -2/-5 एक्चुअली होता क्या है, 2/5 ही होता है, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। मीन्स हमें 2/5 का एडिटिव इनवर्स बताना है। अब एडिटिव इनवर्स सोचिए क्या होता है, क्या होगा, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिखा 3,
इसमें मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए? क्या ऐड करेंगे? माइनस थ्री, ठीक है। सो ये माइनस थ्री क्या है? माइनस थ्री इज एडिटिव इनवर्स ऑफ थ्री, ठीक है। अगर कोई और नंबर ले लो माइनस वन अपॉन सेवन ले लो, ठीक है। मैं कहूं कि इसमें क्या ऐड करें कि जीरो बन जाए, तो क्या ऐड करेंगे? माइनस वन अपॉन सेवन में क्या ऐड करेंगे? प्लस का वन अपॉन सेवन, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो तो आएगा, ठीक है। तो यहां पे ये वन अपॉन सेवन क्या है? वन अपॉन सेवन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय सेवन, ठीक है। तो यहां पे टू अपॉन फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मीन्स 2.5 में क्या ऐड करें कि जीरो आए? सो आंसर इज माइनस 2/5, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी डिस्कशन ओवर होती है। थैंक यू।